सिंगल ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू से बात की, सुनते हैं किरण रिजिजू को भी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी, किरण जी राहुल गांधी का जो अंदाज था उस पर क्या कहेंगे? और अंदाज के उसके बातों में कोई तथ्य था नहीं, झूठ बोल रहे थे पूरा। वो जाके प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिलाया, फेले भी लगे उनके, ऐसे बातों पे तवज्जो नहीं देना चाहिए, ठीक नहीं है। नहीं, क्या गले मिलना गलत था, हाथ मिलाना गलत था? और पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का ड्रामा ठीक नहीं है। और दूसरा ये कि उन्होंने आरोप लगाया कि जो हिंदुत्व सिखाया, संघ ने सिखाया, करप्शन से लेकर तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की। मैंने कहा ना वो बचपना जो बात करते हैं ना उस पर तवज्जो नहीं देना चाहिए। लेकिन उनके क्या गए जो तेवर थे आज उनके? और बचपना है ना उसमें कोई तवज्जो नहीं देना चाहिए ऐसे बातों पर और ऐसे कामों पर। लेकिन बचपना है सर, बचपना है। धन्यवाद। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। हाँ ठीक है, आइए सर। बचपना है, बार बार बचपना है, बचपना है कहकर। डॉक्टर साहब, जो राहुल का अंदाज था, जो तेवर थे, क्या कहेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपने ढंग से जितनी उनकी क्षमता और जो ऐसा अंदाज है अपनी बात रखने का प्रयास किया, लेकिन कुल मिलाकर के यदि आप संजीदगी और गंभीरता से देखें तो उस भाषण में कोई बहुत अधिक सब्सटेंस नहीं था, और जो थोड़ा बहुत सब्सटेंस उन्होंने रखने का प्रयास किया वो अनसब्सटेंशिएटेड था। तो कुल मिलाकर के ये उस भाषण की कहानी है। बाकी आप सब मित्र वहाँ मौजूद थे, देश की जनता भी देख रही है, मुझे नहीं लगता इसका कोई बहुत अधिक प्रभाव रहेगा। गले मिले, हाथ मिलाया, तो इस पूरे उसको कैसे देखेंगे? अब ये उनके व्यक्तिगत आचार और व्यवहार की बात है, इसमें कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। ना मालूम किस भावना से वो गए, और गए तो स्वागत है। एक आखिरी सवाल, उन्होंने करप्शन से लेके तमाम मुद्दों पे, हिंदुत्व तमाम मुद्दों पे बात की, और उन्होंने कहा कि हिंदुत्व तो आप ही लोगों ने सिखाया, मुझको संघ ने सिखाया, करप्शन के भी सवाल खड़े किए उन्होंने। ये अच्छी बात है, यदि अच्छे संस्कार उन्हें संगठन परिवार से मिले हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं तो अच्छी बात है। मुझे लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे उनके अंदर संस्कार का ये जज्बा और बढ़ता जाएगा वो और हमारे संगठन परिवार के करीब आते जाएंगे। कुछ बदले हुए थे आज? वो अक्सर बदले ही रहते हैं, और ना मालूम किस समय किस स्वरूप में दिखे। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। तो सुना आपने जितेंद्र सिंह को भी, और सुना आपने किरण रिजिजू को भी। किरण रिजिजू केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हर सवाल के जवाब में एक ही बात कहते रहे, बचपना है, बचपना है, बचपना है। बहरहाल दो तस्वीरें आपके सामने हैं, और चर्चा में राहुल गांधी की आंखें हैं आज। एक प्रिया प्रकाश वॉरियर की आंखें थी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। अब केंद्रीय मंत्री, उनसे भी मीडिया ने बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा बात उमा भारती ने नहीं की, वो निकल गई अपनी गाड़ी में बैठकर। और ये दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की झप्पी, जिसमें पहले तो पीएम आश्चर्यचकित रह गए, अचंभित रह गए। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी से पूछा, भाई कहाँ जा रहे हो, रुको, वापस बुलाया राहुल गांधी को, और फिर उनसे जो है वो दोबारा ठीक से गले मिले। राहुल गांधी ने उनको गले मिलने के बाद पीएम ने उनको धन्यवाद किया और पीठ थपथपाई राहुल गांधी की। ये भी अपने आप में जैसा राहुल गांधी ने जिसे कहते हैं एक जेस्चर दिखाया, उसका जवाब था प्रधानमंत्री की तरफ से भी उसी तरीके के जेस्चर में। कुछ भी आप बोल रहे हैं, आप निर्मला जी के लिए खिलाफ बोल रहे हैं, निर्मला जी ने सारे कागज रख दिए अंदर, सारे दिखा दिए, उनके उनकी सरकार के साइन किए हुए सीक्रेसी पैक्ट है, अलाउड नहीं है उसके बारे में बाहर बोलना। और वो फ्रांस के प्रधान ने और यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने के एंटनी जी का साइन किया हुआ है, तो मतलब आपने सिर्फ शोरी मचा, फिर नाटक कर रहे हैं, आकर मोदी जी को गले लगा रहे हैं। अभी क्या है, अभी मेरे को लगता है अभी नेक्स्ट स्टेप इनका बॉलीवुड होगा। हम लोग तो वहाँ से यहाँ आ गए, राहुल जी को वहाँ भेजना पड़ेगा, थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग थोड़ी सी मंज जाए उनकी, थोड़ी और अच्छे से करें एक्टिंग तब मज़ा आएगा। अच्छा, क्लास लेने की तैयार है? राहुल गांधी, अरे भैया उनको आज तक कोई और पूरी कांग्रेस में नहीं सिखा पाया, हम क्या सिखा पाएंगे आप बताइए, है ना, वो सीखने के वो आगे निकल चुके हैं उससे। वो उनका नाटक को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए।
उनके नाटक को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, ये कह रहे थे किरण रिजिजू। और किरण खेर सांसद हैं, अनुपम खेर की पत्नी है, अभिनेत्री हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी एक्टिंग में और क्लासेस लेने की जरूरत है। आलोक जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं देखिए एक बड़ा गंभीर मुझे जो लग रहा है कि कुछ ऐसे अभी आरोप जिसकी चर्चा आज गलियारों में थी कि हो सकता है कि सरकार प्रधानमंत्री कुछ ऐसे आरोप जो गांधी परिवार पर आ रहे हैं वो सामने आने लगे, उसके पहले राहुल गांधी के इस गेस्चर से जब वो आरोप सामने आएंगे या कटघरे में, जैसे चिदंबरम पर कल चार्जशीट जारी हो गई, कल किसी मामले में, हेराल्ड मामले को छोड़ भी दें, लेकिन किसी और मामले में यदि कोई गंभीर बातें सामने आती है तो ऐसा लगेगा राहुल गांधी तो बड़ा प्यार दिखा रहे थे लेकिन देखिए सरकार उनके साथ बदले की भावना से बहुत उनके साथ प्रतिशोध ले रही है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक कोशिश कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल, इसको पॉलिटिकल कहें, इसको डिप्लोमेटिक कहें, और इसको हिंदू विचारधारा वाला जो वो कह रहे हैं कि वो आरएसएस या तो प्रणब मुखर्जी ने उनको सिखाया हो, क्योंकि वो आरएसएस की अभी मीटिंग में गए थे और प्रणब मुखर्जी भी को भी वो बड़ा मानते हैं राहुल गांधी, ये पहले भी चूंकि उनके ही राष्ट्रपति थे पार्टी के, तो उस दृष्टि से भी बताया गया कि भाई संघ के तो ये संस्कार है। और जैसा अभी मंत्री कह रहे हैं ये बीजेपी के लिए जरूर ये वो होगा कि अब आगे कैसे राहुल गांधी या उनके परिवार पर जब हमला करेंगे तो पब्लिक में कैसे उस पर आक्रमण किया जाएगा। लेकिन अब मैं इससे पहले हम कुछ और सुने, अंशुमान जी जल्दी से एक कमेंट, आपको लगता है कांग्रेस ने कुछ सीरियस इश्यूज उठाए थे जिस पे कांग्रेस का आरोप है लगातार कि भाई चर्चा हो नहीं रही क्योंकि सदन चल नहीं रही थी, सदन शुरू हो गया राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुना, उससे पहले जल्दी से एक कमेंट, इस घटनाक्रम के बाद जो अंत में हुआ राहुल का गले मिलना आंख मारना उससे वो सब दब जा रहा है? मुझे लगता है ये अवॉइड किया जा सकता था अगर ये कोई स्क्रिप्टेड तैयारी के साथ आया था, क्योंकि राहुल गांधी ने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे, नोटबंदी का, राफेल को लेकर, किसानों को लेकर, लेकर जीएसटी को लेकर, और शायद यही वो मौका था जब सरकार से इसके जवाब मांगे जा सकते थे प्रधानमंत्री से पॉइंटेड क्वेश्चंस पे। लेकिन लास्ट में आकर जो ये पूरा पूरा प्रकरण हुआ जो तैयारी के साथ किया गया, इससे कांग्रेस इमीडिएटली क्या हासिल करना चाहती थी अलग बात है, हो सकता कल की हेडलाइन हासिल करना चाहती हो कि अविश्वास प्रस्ताव पर गले मिले वो वजह हो, उससे वो मुद्दे जरूर पीछे, तो आंख मारना हेडलाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, मारना और गले लगना हेडलाइन होगा। ठीक है, राहुल गांधी ने क्या क्या कहा वो सुनवा देते हैं फटाफट से एक बार, गंभीर मुद्दे उठाए ये सब मान रहे हैं लेकिन उनकी गंभीरता खुद कटघरे में आ गई जो कुछ आखिर में हुआ उसकी वजह से, लेकिन उनकी बातें सुनिए फिर सदन में कार्रवाई आगे शुरू हो रही वहां चलेंगे। पूरे देश ने अभी देखा है, मैंने प्रधानमंत्री के बारे में साफ साफ बोला है और प्रधानमंत्री अपनी आंख मेरे आंख में नहीं डाल सकते, देश ने देख लिया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 जब प्रधानमंत्री के मित्र का पुत्र 16,000 बार अपनी आमदनी को बढ़ाता है 3 महीने में, तो प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द निकलता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है, और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। राफेल हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज, पता नहीं क्या हुआ किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से
जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है। और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए। सीतारमन जी ने देश को झूठ बोला है। हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा। और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। दूसरे तरीके से कहता हूं जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है, उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो। यह सच्चाई है इनके खोखलेपन की, यह सच्चाई है इनके शब्दों की। और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं, कभी कहते हैं पकोड़े बनाओ, कभी कहते हैं दुकान खोलो, रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम। तो राहुल गांधी सदन से बाहर निकले हैं, देखा आपने, मीडिया ने घेर लिया, लेकिन राहुल गांधी ने बात नहीं की। सदन के अंदर राहुल गांधी ने जो जो हमले किए आपको सुनवाया हमने, लेकिन सदन के बाहर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जवाबी हमला किया है, सुनिए क्या कहा उन्होंने। बार बार हमारे सदन में हमारे नेतागण स्पीकर से गुहार लगाते रहे कि राहुल गांधी जो जो आरोप लगा रहे हैं उसका उनके पास कोई प्रमाण हो तो प्रमाण प्रस्तुत करें। प्रमाण ना होने पर भी कीचड़ उछालकर राजनीतिक तमाशा करने का आरोप आज भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी पर लगाना चाहता है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे अन्य नेतागणों का वक्तव्य बाकी है, लेकिन आज जो तमाशा हम सब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा लोकतंत्र का और विशेष रूप से सत्य का किस प्रकार सा हनन राहुल गांधी जी ने आज किया वो आज पूरे देश ने देखा। अभी निर्णय बाकी है। हम ये जानते हैं कि पूर्णतः एक बार फिर सदन में भारतीय जनता पार्टी नित एनडीए की जीत होगी, लेकिन युद्ध भूमि में इस प्रकार से झूठ का सहारा लेना राहुल गांधी की नीति रही है, आज उसी का प्रमाण वो अभी अपने भाषण में दे रहे हैं। पहली बात तो है, कल से ही पूरा हिंदुस्तान भूकंप आने वाला है इस विषय को लेकर देख रहा था टीवी,
और आज जब भाषण हुआ 15 मिनट भी बीत गए, एक घंटा भी बीत गया, भूकंप तो नहीं आया, मगर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी जी का पूरा भाषण लो ऑन सब्सटेंस एंड हाई ऑन एंटरटेनमेंट, कहीं ना कहीं इसका एक एंटरटेनमेंट वैल्यू नजर आया। जिस प्रकार से उन्होंने अंत में कहा कि कोई मुझे देख के मुस्कुरा रही है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे हिंदू क्या होता है आज मालूम पड़ा, और जिस प्रकार में उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं था और आज मैं भारतीय जनता पार्टी और संघ के कारण जान पाया हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिरकार राहुल गांधी जी कहना क्या चाहते थे। पूरे भाषण में राहुल गांधी जी का कोई पकड़ ना तो भाषा पे था और ना ही विषय पे था। कहीं ना कहीं जो बार बार बताया जा रहा था कि भूकंप आने वाला है, आज कांग्रेस के पैरों तले से भूस्खलन हो गया है, यह बात तो स्पष्ट हो चुकी है। तो संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस के पैरों से तले से भूस्खलन हो गया, जमीन खिसक गई है। हरसिमरत कौर नाराज हो गई थी काफी सदन में, सदन के बाहर आज तक ने उनसे बात की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हरसिमरत जी, राहुल गांधी का भाषण क्या भूकंप लेके आया कि नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 15 मिनट वो उनको बोलने का मौका मिला तो प्रधानमंत्री टिक नहीं पाएंगे, किस तरह से देखिए? देखिए प्रधानमंत्री जो अभी तक भी उधर टिके हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी जी को एडजॉर्नमेंट की जरूरत मिल गई। हाँ, भूकंप आया, ऐसा हंसी का भूकंप आया कि ये कॉमेडी, मुझे लगता है बहुत देर बाद ऐसी कॉमेडी शो संसद पे हुई, और वो भी ऐसे लीडर जो अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नए आज मुन्ना भाई पैदा हुए हैं, ये पप्पी झप्पी की जो इन्होंने यहाँ पे राजनीति करने की कोशिश करी है, शायद कुछ दिन पहले मुन्ना भाई देखा होगा, लेकिन ये ड्रामेबाजी, ये कॉमेडी शो, ये बॉलीवुड में अच्छी लगती है। ये सांसद है, यहाँ पे बोलने से आपके बातों में वजन होना चाहिए, आपकी की हुई रखी हुई बातों के मगर कोई तत्व और कोई उसके पीछे आंकड़े होने चाहिए, कोई सबूत होना चाहिए। लेकिन आज जैसे हवाई बातें करी गई, स्पिट एंड थ्रो पॉलिसी करके लांछन लगा के बस, अब मैं अभी बता सकती हूँ कि जब जवाब का समय आएगा दुम दबा के भाग जाएंगे पीठ दिखा के। पर उसमें उन्होंने एक बात भी ये भी कही कि हिंदू होने का मायने क्या होता है, मैं एक हिंदू हूँ और कोई मुझे जितनी भी नफरत करे मैं प्यार करता हूँ, और उसका एग्जाम्पल उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री के पास वो गए। एक मिनट के लिए प्रधानमंत्री भी थोड़ा सा सहम गए थे और बाद में उन्होंने उनकी पीठ थपथपाई। अरे किसी को मालूम नहीं था कि ये कौन सी स्क्रिप्ट लिख के आया ना, जब पहले बता दिया होता कि स्क्रिप्ट में ये है कि पहले ड्रामा ड्रूमा कर करके मैं आपको जप्पी पाऊंगा, तो हम लोग सब तैयार रहते, लाइन लगा के सब खड़े होते पप्पी जप्पी करने के लिए। कहना था कि सब लोग तो बहुत मुस्कुरा रहे थे, भाजपा के सांसदों ने हाथ मिलाया और बोला कि बहुत अच्छा आपने भाषण दिया, और आप भी मुस्कुरा रही थी। जी जी बहुत, तो सब हम लोग सब कह रहे हैं कि इतनी एक्टिंग जबरदस्त, तो कॉमेडी शो कभी देखने को हंसी का भूकंप आया नहीं, और मैं जो मुस्कुरा रही थी यही मैं कह रही हूँ कि जी जी तभी तो मैं कह रही हूँ कि वो बेचारे समझते क्या हैं। इन्होंने 2012 में इलेक्शंस में पंजाब में आके 70% पंजाबियों को नशेई बोल के बहुत बड़ा मुद्दा बना था, तो जब हाउस एडजॉर्न हुआ तो मैंने इनकी तरफ और इनकी मम्मी की तरफ देख के मैंने पूछा कि आज आप कौन सा, इतना कॉमेडी जो हुआ है आप कौन सा, मुस्कुरा के पूछा, तो उनको वो बात ये तो समझ आई नहीं, सिर्फ मुस्कुराहट दिखी। इसी इसी करके जब वो गुजर रहे थे मैंने एक बार फिर पूछा कि आज कौन सा, मतलब इतना बढ़िया एक्टिंग जो हुई है किसी फिल्म स्टार के काम आ जाएगी इनका क्या करके, तो मुझे जवाब नहीं दिया, तो हम लोग सब हैरान रह गए, हमें नहीं पता था कि कहाँ जा रहे हैं वो। तो प्रधानमंत्री जी भी शॉक्ड हो गए होंगे क्योंकि ऐसा ड्रामा तो उन्होंने भी नहीं देखा होगा। सो ये किसने इनकी स्क्रिप्ट लिखी है? आज तो अमिताभ बच्चन को भी फेल कर दिया है, बॉलीवुड के नए हीरो आज सांसद के पटल पे आज पैदा हुए हैं, तो मुझे लगता है ये दिल्ली नहीं, इनको मुंबई बहुत जल्दी जाना चाहिए। डोंट यू थिंक दैट ही इज रियली डन द मोदी एज फार एज ओरेटरी स्किल्स आर? तो दिल्ली नहीं उनको मुंबई जाना चाहिए, ये हरसिमरत बादल कह रही है, और कह रही है हमें पहले से पता होता कि वो सबसे पप्पी झप्पी करेंगे, गले मिलेंगे, तो सब लाइन में लग के उनसे गले मिलते। इस बात पर भी सफाई दी कि राहुल गांधी क्यों कह रहे थे कि वो मुस्कुरा रही हैं। शशि थरूर को लेकिन भाषण अच्छा लगा, सुनिए शशि थरूर की बात। बिल्कुल, मुझे लगा कि जनता की आवाज की आंधी आज सुनाई दिया पार्लियामेंट के अंदर, और जैसे राहुल जी ने, अनंत कुमार जी ने शुरुआत में कहा था कि ये लिमिटेड ओवर मैच है, टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा, तो उसने बिल्कुल T20 की जैसे छक्का मार दिया, बॉल को, गेंद को तो पार्क का बाहर मार दिया। बहुत बहुत बढ़िया, भूकंप आ गया राहुल के बोलने से। आप लोग देख लीजिए, एक चीज सही है क्योंकि जब बीच में ब्रेक था ना, कई बीजेपी एमपी मुझसे भी कहा कि क्या बढ़िया बोला आपके लिए आप राहुल जी ने, तो ये अच्छी बात है कि बहुत लोग समझ लेते हैं कि ये सब बोलने की जरूरत थी, बस यही बात, नथिंग मोर, इट्स अ ग्रेट सक्सेस।
खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।